मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट सी चैप्टर नंबर 3, अमेजिंग फॉरेस्ट। अ फॉरेस्ट इज लार्ज एरिया फुल ऑफ ट्रीज। आपको पता है ना, फॉरेस्ट में बहुत सारे पेड़ पौधे, पूरा जंगल मतलब पेड़ों से भरे रहते हैं। दे आर ऑल्सो होम टू वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, ब्यूटीफुल बर्ड्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड यूनिक रेप्टाइल्स। और फॉरेस्ट क्या है, बहुत लोगों का घर है, जैसे प्लांट्स का, एनिमल्स का, बर्ड्स के। In some part of India, scared forests exist and are worshipped by the tribal people of India. मतलब ट्राइबल आदिवासी लोगों के द्वारा पूजा भी जाता है फॉरेस्ट। Here are 9 most amazing forests found in India. ठीक है, now fill in the blanks. First, Dash is a tiger and a biosphere reserve. It is also home to the white tiger. देखिए कौन सा फॉरेस्ट है जो घर है व्हाइट टाइगर का। A large number of सुंदरी ट्रीज ग्रो हियर। और यहाँ पे बहुत सारी सुंदरी ट्री ग्रो करते हैं, दैट इज सुंदर बन। क्लियर, सुंदर बंस। सेकेंड, डैश इज द बेस्ट प्लेस टू स्पॉट द एशियाटिक लॉयन। एशियाटिक लॉयन मिलते हैं, होते हैं। इट वॉज स्टैब्लिश एज अ नेशनल पार्क इन 1965 विद द एम टू प्रोटेक्ट एंड इंक्रीज द लॉयन पॉपुलेशन, दैट इज गिर फॉरेस्ट। थर्ड, दिस फॉरेस्ट आर वाइडली फाउंड इन राजस्थान। ये जो फॉरेस्ट है वो राजस्थान में है, पंजाब, हरियाणा, वेयर रेनफॉल इज लेस देन 70 मीटर। एक्शियस पाम्स एंड कैक्टिक आर द मेन प्लांट्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, दैट इज थॉर्न फॉरेस्ट, THORN थॉर्न फॉरेस्ट। डैश आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, केरला एंड कर्नाटका। देखो वेस्टर्न घाट कहाँ कहाँ होता है, महाराष्ट्र, केरला एंड कर्नाटक। देर इज इज मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एंड हैव अ टेम्परेचर ऑफ 15 to 30 degrees Celsius, दैट इज एवरग्रीन फॉरेस्ट। नंबर फोर्थ, एवरग्रीन फॉरेस्ट। नंबर फिफ्थ, दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन कूल रेनी एरियाज। ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर ओक, वॉलनट, मैनपल एंड पाइन। द ट्री लूज देयर लीव्स इन फॉल और ऑटम एंड ग्रो न्यू लीव्स इन स्प्रिंग। तो ये कौन सा फॉरेस्ट है, दैट इज डेसीडियस फॉरेस्ट, DECIDUOUS, डेसीडियस फॉरेस्ट। नंबर सिक्स, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया दैट हैव लॉन्ग विंटर एंड मॉडरेट ऑफ हाई परसिपिटेशंस। पाइन स्पोर्ट्स, फेयर्स एंड लार्जेस्ट आर डोमिनेंट ट्री इन दिस फॉरेस्ट, दैट इज कॉनिफोरस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दैट इज कॉनिफोरस फॉरेस्ट। ठीक है, सॉरी, कॉनिफोरस फॉरेस्ट, नॉट ट्रॉपिकल, ओनली कॉनिफोरस। देन नंबर सेवन, दीज आर डेंस लश फॉरेस्ट विद कैनोपीज प्रिवेंटिंग सनलाइट फ्रॉम गेटिंग टू द फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट। ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट स्टे ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। देखिए ये फॉरेस्ट के जो पेड़ होते हैं वो हमेशा हरे ही रहते हैं। इन इंडिया दे आर फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और इंडिया में ये कहाँ है, अंडमान और निकोबार आइलैंड में, एंड इन द ग्रेटर असम रीजन, दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। These forests have a mix of deciduous and coniferous evergreen tree and receive heavy rainfall, that is temperate forest, TEMPERATE, temperate forest. They are also known as cloud forest because they receive most of their precipitations from the mist that comes up from the lowland, that is कौन सा forest है, mountain forest, MONTANE, mountain forest. नाउ नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, फेमस लेक्स। अब देखो फेमस लेक कौन से लेक कहाँ है, तो एक्सरसाइज ए, मैच द लेक्स विद द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी वेयर दे आर फाउंड। तो आपको लेक और उनकी यूनियन टेरिटरी को मैच करना है। ठीक है, तो देखो वुलर लेक कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर। चिलिका लेक उड़ीसा। पेंगोंग लेक लद्दाख। पेंगुइन के पेंगोंग लेक लद्दाख। फोर, पिक्चुलिया लेक दैट इज राजस्थान। लकतोक लेक दैट इज मणिपुर। नंबर सिक्स, भीमताल लेक दैट इज उत्तराखंड। नंबर सेवन, सपुत्रा लेक दैट इज गुजरात। वेम्बंद लेक दैट इज केरला। Now, exercise B, choose the correct option. The largest brackish water lake of India is located in, सबसे ज़्यादा काला पानी कहाँ पे है, that is Odisha. Number 2, which fresh water lake is formed by the river of Jhelum
कौन सा फ्रेश वाटर लेक होता है झेलम रिवर में, दैट इज वुलर लेक। थर्ड, संभर सॉल्ट लेक इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे है ये, दैट इज इन राजस्थान। वेयर इज वार्ड लेक, वार्ड लेक कहाँ पे है, शिलोंग। विच लेक इन इंडिया इज फेमस फॉर इट्स फ्लोटिंग आइलैंड, दैट इज लोकतक लेक। नंबर सिक्स, विच इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया लोकेटेड बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा, दैट इज कोलेरू लेक, दैट इज कोलेरू लेक, के ओ डबल एल ई आर यू एल ए के ई। नाउ सी चैप्टर नंबर 7, नेचुरल वंडर्स। आवर वर्ल्ड इज फुल ऑफ ब्रीथिंग ब्रेथ टेकिंग नेचुरल वंडर्स, फ्रॉम द रशिंग वाटर ऑफ नाइगेरिया फॉल्स इन न्यूयॉर्क एंड कैनेडा टू स्नोई पिक ऑफ द मैथरन इन स्विट्जरलैंड। फिल इन द ब्लैंक्स टू नेम दिस नेचुरल वंडर्स। ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेविटी हिल, ग्रेविटी हिल भी कहा जाता है, लोकेटेड नियर ले इन लद्दाख। दीज हिल्स पुल्स व्हीकल्स इन एन अपवर्ड डायरेक्शन क्रिएटिंग एन ऑप्टिकल इल्यूजन, दैट इज मैग्नेटिक हिल, एम ए जी एन ई टी आई सी, मैग्नेटिक हिल। नंबर टू, दीज रॉक्स क्रिएट अ मैग्निफिशेंट गॉर्ज ऑन रिवर नर्मदा, इट इज लोकेटेड इन जबलपुर मध्य प्रदेश एंड इट इज अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, दैट इज मार्बल रॉक्स, दैट इज मार्बल रॉक्स। नंबर थ्री, ऑल्सो नोन एज नदर्न लाइट्स, दिस अमेजिंग डिस्प्ले ऑफ कलर्स इन द नाइट स्काई ऑकर्स इन द हाई लैटिट्यूड्स ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर, दैट इज बुर्रा केव्स, बी ओ डबल आर ए बुर्रा केव्स। दिस लाइम स्टोन केव्स, सॉरी द थर्ड आंसर इज ओरोरा बोरेलिस, A U R O R A B O R E A L I S। Now fourth, these limestone caves consist of various stalagmite and stalactite formation, these caves are located in the Anandgiri hills of Andhra Pradesh, these caves have withstood the passage for time for a million years, that is Burra caves। Number fifth, located in the state of Arizona USA, it is one of the deepest gorges on earth with an average depth of 1 mile and an average width of 10 miles. Then canyon was curved 6 million years ago by the action of Colorado River, that is Grand Canyon, G-R-A-N-D, Grand C-A-N-Y-O-N, Canyon. It is the only reef on earth that can be seen from outer space. This 34,400 square kilometer vast stretch in Australia was built from the skeleton of marine organisms called pulps, that is Great Barrier Reef, G-R-E-A-T, Great Barrier Reef. Seventh, this bay situated in northern Vietnam features thousands of islands each topped with thick jungle vegetation framing a spectacular seascape of limestone pillar, that is Halong Bay, H-A-L-O-N-G, Long Bay. That's all for today. Now you will complete your GK book up to chapter number 7.